गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप टीचर्स सबने ज्वाइन कर लिया है। एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट चेक कर लीजिए टीचर्स, अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उनको बोल दीजिए कि ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मीटिंग रूम 10:10 पर लॉक हो जाएगा। Okay, so let's start the session, teachers. Good morning, everyone. I am Akansha, and I will be taking the training session for today. सबसे पहला मॉड्यूल जो हम आज देखेंगे वो है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन यानी कि हम अपने बच्चों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो आई होप एवरीवन कि आप मेरे साथ साथ करोगे प्रैक्टिस, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हम यूलोआप यूज़ कैसे करते हैं। और इन बिटवीन कोई भी अगर आपको पूरे ट्रेनिंग सेशन में डाउट आएगा तो आप चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसमें दो तरीके होते हैं जिससे हम अपने बच्चों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। पहला होता है क्लास ग्रुप, यानी कि हम ग्रुप में कैसे चैट करते हैं अपने स्टूडेंट से। उसके बाद आता है इंटरैक्शन बाय चैट्स, यानी कि इंडिविजुअली किसी से कैसे चैट करते हैं। तो जब क्लास ग्रुप की बारी आती है, इसमें 6 तरीके होते हैं जिससे हम अपने स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। हम अभी देखेंगे कैसे। तो जब आप यूलो नोट्स ऐप लॉगिन करते हैं अपने क्रेडेंशियल से, कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है आपको। सबसे पहला होता है उसमें डेमो ग्रुप, जो कि प्रैक्टिस ग्रुप होता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट या टीचर एडेड नहीं रहता है, और सब हम प्रैक्टिस इसी ग्रुप में ही करते हैं। उसके बाद होता है मिस्टियो बॉट है, जिसमें सारे टेक्निकल इश्यूज एंड अपडेट्स हमको आपके पता लगते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ ग्रुप, जो कि टीचर्स का ग्रुप होता है। इसमें सब टीचर्स को मैसेजेस यहीं पर ही रिसीव होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लास के ग्रुप्स, कि जिस क्लासेस में हम पढ़ा रहे होते हैं, ये क्लास ग्रुप्स ऑटोमेटिकली यूलो आपकी तरफ से ही क्रिएट रहते हैं। एज ए टीचर हमको कोई भी क्लास ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले जब हम प्रैक्टिस करेंगे, डेमो ग्रुप ही करेंगे ओपन। तो जब डेमो ग्रुप ओपन करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज यहाँ पर टाइप करके भेज सकते हैं, तो उसी तरह से हम कोई भी मैसेज टाइप करके, ये सेंड बटन है, इससे सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कोई भी टेक्स्ट मैसेज। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज टेक्स्ट में ना होकर, नॉर्मल मैसेज में ना होकर किसी और फॉर्म में हो, जैसे कि इवेंट हो, चेकलिस्ट हो या कुछ भी हो, तो वो कैसे सेंड करते हैं। पहला आता है इवेंट। इवेंट यानी कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में पीटीएम है या एनुअल फंक्शन जैसा कोई इवेंट है, आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि आपके स्कूल में इवेंट है। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं इवेंट को? जब डेमो ग्रुप ओपन करते हैं तो यहाँ पर जहाँ मैसेज टाइप कर रहे थे उसके एकदम लेफ्ट साइड में एक प्लस बटन होता है। तो जब हम इस लेफ्ट पे प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे इवेंट, चेकलिस्ट, टेक्स्ट, इमेज अटैचमेंट, वीडियो और क्रिएट असाइनमेंट। तो हमको सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। अब हम इवेंट बना रहे हैं तो हम इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे किस क्लास के लिए हम इवेंट बना रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेमो ग्रुप डाला, आप यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा क्लासेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है टाइटल, जो भी टाइटल होगा आपके इवेंट का। देन इवेंट का स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट एंड एंड टाइम। देन यहाँ पर आपको डालना है डिस्क्रिप्शन, कुछ भी डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने यहाँ पर डाला। ये जो टॉप राइट कॉर्नर पर पोस्ट बटन बना है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक कन्फर्मेशन आता है कि हमको भेजना है या कैंसिल करना है। तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे और हमारा जो इवेंट है वो इस तरह से बच्चों के पास चला जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल पे पिकनिक है और कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऐसी हैं जो आप चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स लाएं, तो आप चेकलिस्ट बना के स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। उसके लिए आपको चेकलिस्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर फिर से वही सिंपल फॉर्म खुल जाता है, क्लास सेलेक्ट करना है यहाँ पर, देन टाइटल कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर आइटम्स को ऐड करना है।
अगर हमको और आइटम ऐड करनी है तो हम ऐड आइटम पर क्लिक करके कितनी भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद ये जो पोस्ट बटन है फिर से इसी पे क्लिक करके कंफर्मेशन सेंड, तो हमारा इस तरह से चेकलिस्ट भी चला जाता है। देन आता है इमेज अटैचमेंट एंड वीडियो। ये बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं यहाँ पर भेजने के, और ये हम डेली रूटीन में भेजते भी हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पे भी हम डेली रूटीन में यहाँ भेजते हैं बच्चों को ये चीज़ व्हाट्सएप पर भी। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम तरीका है इन चीज़ तीनों को भेजने का, और बहुत ही सिंपल। तो हम देखेंगे कैसे, इमेज पे क्लिक करते हैं, क्लास सेलेक्ट करेंगे किस क्लास को भेजनी है, देन टाइटल। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस बटन बना है इस प्लस बटन पे क्लिक करके दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है कैमरा एक आता है गैलरी। तो जब कैमरा यानी कि आपको कोई पिक्चर क्लिक करके भेजनी है तो आप कैमरा सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको कोई पिक्चर गैलरी में से भेजनी है तो आप गैलरी पे सेलेक्ट करेंगे। गैलरी पे सेलेक्ट करके आप कोई भी पिक्चर कितनी भी इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन इस तरह से हमारी इमेज अटैच हो जाती है। पोस्ट पे क्लिक करके कंफर्मेशन सेंड, तो हमारी इमेज भी चली जाती है। उसके बाद आता है पीडीएफ। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करते हैं, टाइटल, और प्लस बटन पे जाके फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। कोई भी पीडीएफ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन ओके पे क्लिक करते पोस्ट पे क्लिक करना है फिर से सेम तरीका, देन कंफर्मेशन सेंड, तो हमारा पीडीएफ भी चला जाता है। देन वीडियो का देखते हैं, वीडियो पे क्लिक करके क्लास सेलेक्ट करना है, टाइटल, देन प्लस बटन पे जाके कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके, एंड देन पोस्ट कंफर्मेशन सेंड। तो इस तरह से हम हर तरह का मैसेज स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। अब जैसे कि व्हाट्सएप पर भी किसी डॉक्यूमेंट को या वीडियो को भेजने का लिमिटेशन होता है, तो यहाँ पर भी वीडियो और पीडीएफ को भेजने की एक लिमिटेशन होती है। अगर हम वीडियो भेज रहे हैं तो वो 0 to 200 MB के अंदर होना चाहिए, अगर कोई पीडीएफ भेज रहे हैं तो वो 0 to 15 MB के अंदर होनी चाहिए। सो आई होप टीचर्स क्लियर है सब कुछ अभी तक सबको। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं कभी भी। अब जैसे अभी तक हम सारे मैसेजेस को सेलेक्ट करके भेज रहे थे, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज अभी ना जाकर किसी और डेट या टाइम को जाए, तो हम बाद के लिए भी स्केड्यूल करके रख सकते हैं। इस केस में हमको, जैसे हम पोस्ट पे क्लिक कर रहे थे अभी, अब हमको जाना है इस कैलेंडर बटन पे, जो लेफ्ट साइड में इसके कैलेंडर बटन बना है, हम इस पर क्लिक करेंगे और जो डेट और टाइम को हमको मैसेज बच्चों को पहुंचाना है उस डेट और उस टाइम को यहाँ पर लिख देंगे, तो वो मैसेज उस स्केड्यूल डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के पास चला जाता है। हमको दोबारा से आने की ज़रूरत नहीं होती देखने के लिए कि मैसेज गया है या नहीं गया, ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब हम देखेंगे इंटरैक्शन बाय चैट्स, यानी कि इंडिविजुअली हम स्टूडेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जब हम योलो नोट्स ऐप पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं, एक आता है इनबॉक्स एक होता है चैट्स। तो चैट्स पे क्लिक करते हैं हम। अभी हमने किसी को कोई इंडिविजुअल मैसेज नहीं भेजा तो हमको इस तरह से दिख रहा होता है, बट अगर हमको अब इंडिविजुअल किसी को मैसेज करना है तो ये जो फ़ोन बटन बना है यहाँ पर, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितनी भी क्लासेस में हम पढ़ा रहे हैं सारे क्लास मुझे यहाँ पर दिख जाते हैं, और उस क्लास में कितने लोग हैं मुझे सारे वो पे दिख जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर 10A के सुमित को मैसेज करना है तो मैं 10A के जितने मेंबर्स हैं उस पर क्लिक करूँगी, एंड देन पूरी 10A की लिस्ट मुझे यहाँ पर दिख जाती है। अब अगर मुझे सुमित को मैसेज करना है तो मैं सुमित पर क्लिक करूँगी, एंड देन गो पर क्लिक करके कोई भी मैसेज यहाँ पर मैं टाइप कर सकती हूँ, जैसे मैं ग्रुप में भी कर रही थी। यहाँ पर मैसेज को टाइप करके इधर से सेंड करना है, एंड देन किसी और फॉर्म में मैसेज भेजना है अब हमको, इमेज अटैचमेंट जैसे हमने ग्रुप में देखा, तो वही सेम तरीके से प्लस बटन पे जाके हमको सारे ऑप्शंस वही मिलते हैं जो हमने ग्रुप में देखे थे, और इन सब का एग्जैक्टली सेम तरीका होता है भेजने का जैसे कि हमने क्लास ग्रुप में भेजा था। आई होप क्लियर है टीचर्स अभी तक सबको।
यूला आपके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. पहला बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स का फ़ोन नंबर, टीचर्स को स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर, और स्टूडेंट्स को आपस में एक दूसरे का फ़ोन नंबर नहीं दिखता है यहाँ पर, तो प्राइवेसी मेंटेन रहती है. नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि 100% डिलीवरी रेट होता है इसमें. इसमें होता है 100% डिलीवरी रेट, यानी कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई यूलो नोट्स ऐप नहीं है फॉर एग्जांपल, या स्मार्टफोन नहीं है, वो मैसेज तब भी उस स्टूडेंट के पास जाता है. लेकिन इस केस में वो स्टूडेंट के पास मैसेज एसएमएस की फॉर्म में जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वीडियो भेजा है स्टूडेंट्स को, तो जब वो लिंक उसके पास एक एसएमएस पे लिंक जाता है, जब वो लिंक पे क्लिक करता है स्टूडेंट तो उसको वीडियो दिख जाती है. थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि स्केड्यूल कर सकते हैं मैसेजेस को, कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको अभी एकदम मैसेज बना के भेजना ही है, आप बाद के लिए भी स्केड्यूल करके रख सकते हैं. फोर्थ बेनिफिट होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है. वन वे कम्युनिकेशन यानी कि स्टूडेंट्स जो है टीचर्स को इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, पर वो इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर्स के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करना इंडिविजुअली. तो यहाँ पर टीचर्स के लिए बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर सकते. सो आई होप इट क्लियर्स योर डाउट्स. ओके, सो नेक्स्ट मॉड्यूल हम देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस यानी कि जब ऑनलाइन क्लास की बारी आती है तो इसमें तीन तरीके होते हैं, थ्री स्टेप्स होते हैं. पहला होता है क्रिएट क्लास करना. नो, दे कांट चैट अमंग देमसेल्व्स. इसमें तीन तरीके होते हैं. पहला होता है क्रिएट क्लास, उसके बाद होता है नोटिफाई स्टूडेंट्स, एंड देन स्टार्टिंग द ऑनलाइन क्लास. तो जब नोटिफाई स्टूडेंट्स करने की बारी आती है तो टीचर्स को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उनको नोटिफाई करें. यूलो ऐप अपने आप एक मैसेज भेजता है स्टूडेंट्स को कि उनकी क्लास है. पहले हम देखेंगे क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं. जब आप यूलो ऐप पे लॉग इन करते हैं तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दीज थ्री लाइंस जो हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे आप, एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस. तो जब ऑनलाइन क्लासेस पे आप क्लिक करते हैं, एक कैलेंडर खुल जाता है आपके आगे जिसमें सब डेट्स और सब कुछ दिख रहा होता है. अभी आपने कोई क्लास नहीं क्रिएट करा है तो आपको नो क्लासेस दिख रही होगी. लेकिन अगर आपको क्लास क्रिएट करनी है तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर क्रिएट क्लास पे क्लिक करते हैं. इस पर क्लिक करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाता है. आपको यहाँ पर टाइटल डालना है क्लास का कि कौन सी क्लास है, देन डालना है यहाँ पर कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं ऑनलाइन क्लास. उसके बाद डिस्क्रिप्शन, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आपकी क्लास का. देन आता है क्लास डेट. तो जब आप क्लास डेट डालते हैं यहाँ पर तो इसके जस्ट नीचे एक चेक बटन दिखाई दे रहा होता है. ये होता है रिकरिंग क्लासेस के लिए. तो रिकरिंग क्लासेस यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी आज सैटरडे आपकी कोई क्लास है, लेट्स से 10:00 आपकी आज क्लास है. तो हमको पता है कि एक वीकली टाइम टेबल होता है हमारा, और हमारी नेक्स्ट सैटरडे 10 AM भी सेम क्लास होती है. तो इस चीज़ के लिए हमको हर वीक दोबारा से आने की ज़रूरत नहीं होती क्लास बनाने के लिए सेम. तो अगर हम एक बार बना देते हैं क्लास को और इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो नेक्स्ट वीक के लिए ऑटोमेटिकली क्लास क्रिएट हो जाती है. आई होप ये क्लियर है टीचर्स सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो उसके बाद आता है स्टार्ट टाइम, कि क्या टाइम है आपकी क्लास का. देन ड्यूरेशन, दैट इज 40 मिनट्स. उसके बाद आता है नोटिफाई बिफोर, कि कितनी देर पहले आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को अपनी क्लास का रिमाइंडर मिले. तो आपने अगर 30 मिनट्स डाल दिया तो स्टूडेंट्स के पास ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स पहले एक रिमाइंडर चला जाता है. और फॉर्म फिल करने के बाद क्रिएट क्लास पे क्लिक करना है तो आपकी क्लास क्रिएट हो जाती है. तो एक रिमाइंडर तो बच्चों के पास ये चला जाता है, जिस टाइम आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया उस टाइम के पहले बच्चों के पास रिमाइंडर चला जाता है. और जब क्लास क्रिएट करते हैं तो इस तरह से आपकी क्लास यहाँ पर दिखाई दे जाती है जिस डेट को भी आपने बनाई है.
अगर आपको डिलीट करना है इस क्लास को तो आप इस डिलीट बटन पे क्लिक करके क्लास को डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक रिमाइंडर तो जैसे मैंने बताया कि आपको वो चला जाता है जब आप नोटिफाई बोर्ड पे डालते हैं टाइम, और दूसरा मैसेज बच्चों के पास ये जाता है कि उनकी ये क्लास है इतने बजे। तो स्टूडेंट्स को बस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होता है और उनकी क्लास ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अब यूलो ऐप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूलो आपका इंटीग्रेशन जूम ऐप के साथ है। इंटीग्रेशन यानी कि हम कोई भी क्लास यहाँ पर कंडक्ट करते हैं सर, अगर आपकी क्लास है तो आपको क्लास क्रिएट करनी है, ऑनलाइन क्लास अगर आपकी है तो आपको यहाँ से क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी स्टूडेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि उनकी क्लास है। तो यूलो आपका इंटीग्रेशन जूम ऐप के साथ होता है, यानी कि जो भी क्लास हम कंडक्ट करते हैं वो जूम ऐप से ही ली जाती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को जूम ऐप रखना बहुत ज़रूरी होता है फ़ोन में। आपको कुछ करना नहीं होता है जूम ऐप से, बाकी सब चीज़ें यूलो ऐप से ही करना है, बट आपको जूम ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखना पड़ता है। तो बच्चे जब ज्वाइन नाउ पे यहाँ से क्लिक करते हैं तो उनके ऑटोमेटिकली जूम ऐप पर चले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम टीचर स्टार्ट कैसे करते हैं ऑनलाइन क्लास को। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ये जो लाइन्स है इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर जो हमारी क्लास थी वो इस तरह से हमको दिखाई दे जाती है। एंड देन मुझे इस पर बस क्लिक करना है क्लास को और ऑटोमेटिकली मैं जूम ऐप पे चली जाती हूँ और मेरी क्लास यहीं से ही स्टार्ट होती है। और जितने भी फीचर्स होते हैं जूम ऐप के, जैसे कि वाइट बोर्ड हो गया, स्क्रीन शेयरिंग हो गया, सारे फीचर्स मुझे जूम ऐप के यहाँ पर मिले जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्लास कंडक्ट तो कर लिया, अब हमको देखना है कि हमारी क्लास को किस किसने ज्वाइन नहीं किया। एब्सेंट पार्टिसिपेंट्स लिस्ट हम देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है यूलो ऐप की तरफ से कि कौन कौन बच्चा आपकी क्लास को ज्वाइन ही नहीं किया था। तो इसके लिए हमको ब्राउज़र वर्जन पे जाना पड़ता है। ब्राउज़र वर्जन यानी कि ये जो लिंक है app.theyulo.com, ये लिंक हमको गूगल क्रोम पर डालना होगा। चाहे हम फ़ोन पे कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप पे, किसी पर भी कर सकते हैं। तो ये लिंक हमको डालना है गूगल पर, app.theyulo.com। ये लिंक जब हम डालते हैं तो हमको लॉगिन पेज दिखाई देता है, इससे हमको लॉगिन करना है अपनी क्रेडेंशियल से। एंड देन हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर रिपोर्ट्स का। तो जब हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, ड्रॉपडाउन खुल जाता है, उसमें होता है एक ऑनलाइन क्लास रिपोर्ट्स। तो जब हम ऑनलाइन क्लास रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, समरी एंड डिटेल। अब हमको डिटेल रिपोर्ट देखनी है स्टूडेंट्स की, कौन कौन बच्चा एब्सेंट था, तो हम डिटेल पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर क्लास डेट सिलेक्ट करेंगे, किस डेट को हमारी क्लास थी। उसके बाद ये जो एक्शन बटन बना है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमको हमारी क्लास शो हो जाती है जो हमने कंडक्ट करी थी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में अगर 53 स्टूडेंट्स टोटल थे एंड 52 स्टूडेंट्स उसमें से एब्सेंट थे, तो मैं 52 पे क्लिक करती हूँ और मुझे सारे एब्सेंट पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट यहाँ पर दिख जाती है और वो कौन सी क्लास में है मुझे सब कुछ दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर एब्सेंट पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जिन्होंने क्लास को बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके किसी स्टूडेंट ने 15 मिनट के लिए क्लास को ज्वाइन किया है फिर लीव कर गए, तो उस केस में वो स्टूडेंट प्रेजेंट माना जाता है, ना कि एब्सेंट। और अगर मुझे डाउनलोड करना है इस लिस्ट को, तो मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकती हूँ लिस्ट को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टीचर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ये स्मार्टफोन में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे सर, ये वाले जैसे एब्सेंट पार्टिसिपेंट्स लिस्ट देखना हो तो आप देख सकते हो एब्सेंट पार्टिसिपेंट्स लिस्ट।
टीचर्स मैंने आपको एक फॉर्म भेजा है चैट बॉक्स में, आप प्लीज इसको एक बार फिल कर दीजिए, फीडबैक फॉर्म है सर। ऑनलाइन टेस्ट और असेसमेंट असाइनमेंट जो मॉड्यूल है वो आपका बाद में होगा मे बी, ये सिर्फ कम्युनिकेशन मॉड्यूल था और ऑनलाइन क्लास हम कैसे लेते हैं वो वाला मॉड्यूल था। आपको नेक्स्ट मॉड्यूल आपका जो होगा वो असाइनमेंट मॉड्यूल होगा और टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट का मॉड्यूल होगा कि हम कैसे ले सकते हैं। सर जब जब आपकी क्लास होगी उस दिन की आपको लिस्ट शो होगी, जैसे वहाँ पर क्लास की इंडिविजुअल क्लास शो हो रही थी, तो जो जो क्लास आप कंडक्ट करेंगे वहाँ पर आपको सारी क्लास वहाँ पर शो होगी, जिस डेट को आपने जिस दिन को जो उनसी क्लास ली है वो आपको वहाँ पर शो होगी एंड आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्लास का आपको देखना हो तो आप वहाँ से एब्सेंट पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को देख सकते हैं। श्रेषा मैम व्हेन दे हैव देयर नेक्स्ट सेशन, one of the teachers is asking for that. Like if you want to show the usage of Yulo app, you can just like start the Zoom meeting or share the screen from that and you can show them how the things work in the Yulo app. Yes, we can take the MCQ test in the you will see that in the assessment module. When we'll do that, you will be able to see how we can take the objective test from the app to the for the students. सर अगर आपको नहीं मिला है यूजर आई डी एंड पासवर्ड तो आपको ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स के लिए आपको आप अगर आपकी क्लाइंट एडमिन ट्रेनिंग अगर आप एडमिन है स्कूल के तो आपको पता लगेगा कि हम स्टूडेंट्स को कैसे भेज सकते हैं आईडी पासवर्ड। गोपाल सर आर यू द एडमिन ऑफ द स्कूल? लाइक ओके तो आपको ये क्लाइंट एडमिन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
Okay, so for client admin training, you have to contact your account manager. They will be conducting that. Whoever is your account manager, please ask them for client admin training. They will do that. और जो भी टीचर्स असेसमेंट और असाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो असेसमेंट और असाइनमेंट मॉड्यूल का जो सेशन होता है वो 11 बजे होता है. तो अगर आपके पास लिंक नहीं है अभी, तो आप एक बार आपके स्कूल के एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको जूम लिंक मिल जाए 11 बजे के लिए. वहाँ पर आपका असाइनमेंट और असेसमेंट मॉड्यूल जो है वो कवर किया जाएगा. Okay. A question is, ma'am, how will the join the student ULAB? Okay. So, बच्चों को अगर ULAB join करना है, तो already they are registered with ULAB. आपको बस जैसे ही वो registered हो जाते हैं, आपके हमारे end से सभी लोगों को welcome SMS जाता है, जिसमें उनका username और password होता है. वो username और password डाल के बस उन्हें login करना होता है. अगर उनके पास मैसेज नहीं भी गया है, तो एज अ स्कूल आप लोगों के पास सबके यूजर नेम्स और पासवर्ड्स का क्रेडेंशियल्स का लिस्ट होता है. So there is a lot of difference between the teacher's ID and student's ID. If the student is logging into the Yulo Notes app, he can't make the assignment, he can't do the things that a teacher does in the app. He can only submit the homework and everything, he can do that, but he can't like command on the Yulo app like teachers do. No, as a teacher, you won't be able to, you won't create any class for the class or class groups. The class groups will be made automatically from the Yulo Notes app. So teachers have different credentials and students have different credentials. It has nothing to do with the teachers and student. They are all on the individual basis. I think Akansha, there is one more query. No class shown in teacher app, so all the teachers will create classes individually. Yes, I told them that you don't have to create any class. The class will be automatically be created on the basis of ULA app itself. You don't have to create any class on your own. Okay, so when we are saying class, I think we are referring to groups, right? Yeah, I think that. So you have different credentials. When you log in into that credential, the admin of your school knows that who is a teacher and who is a student. And you, when you will log in into the app, you can see that all the options that a teacher has will be available to you as well, like creating the assignment, creating the online class and all that.
you will get that in the different sections. They are entirely different sections that will be get that you will be getting in the different modules. ओके टीचर्स, अगर कम्युनिकेशन और ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग सेशन रैप अप कर लेते हैं. एंड जैसे कि मैंने कहा, असेसमेंट और असाइनमेंट के लिए दूसरा सेशन होगा. लक्ष्य सर इज आस्किंग व्हाई नॉट कवरिंग असेसमेंट एंड टेस्ट क्रिएशन पार्ट इन द सेशन, व्हाई सेपरेट सेशंस? Because it is too much for one session, sir. Covering four modules in a session, that is difficult to grasp and difficult for trainers to explain as well. So that's why there are two different sessions. Right? So agar aapko 11 baje ka session join karna hai, to please aapke school ke account manager se aap ek bar baat kar lijiye, ya fir aapke school ke admin se kahiyega, so that aapko link mil jaye and you can join at 11. And jo form ka link aapko Akansha ne bheja hai, प्लीज आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए. दैट इज अ फीडबैक फॉर्म. हार्डली एक मिनट लगेगा आपको फिलअप करने के लिए. ओके, लुक्स लाइक नो क्वेरीज Akansha. आई थिंक वी कैन रैप अप. ऑलराइट. Thank you everyone for joining. Have a good day. Thank you, Shreesha ma'am. Thank you everyone. Please do practice and have a very nice day. Thanks, Akansha.